कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दल जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद पहुंचे, दर्शक दीर्घा में बैठकर किया समर्थन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, 3 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे हटे भारत चीन के जवान। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास पर रखी गई आधारशिला, 3 एकड़ का प्लांट किया गया आवंटित। गोल्ड सिल्वर की उम्मीदें टूटी, तो टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में हारे बजरंग पुनिया, पुनिया से अब कांस्य की आस। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आज सावन की महाशिवरात्रि है और राजधानी देहरादून के साथ ही उत्तराखंड भर में शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक के लिए तैयारियां पूरी की गई। सभी शिवालयों को भव्य तरीके से दर्शन के लिए सजाया गया। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस कर्मियों के साथ पीएसी के जवान रात से ही तैनात कर दिए गए। वहीं मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं से कोरोना नियमों के साथ श्रद्धालुओं से जलाभिषेक करने की अपील भी मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों से मिलकर की गई। आपको बता दें कि कोविड नियमों के साथ ही देवालयों में जलाभिषेक करने की मंदिर प्रबंध समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की। हरिद्वार में हर की पौड़ी से लेकर तीर्थ नगरी में मंदिरों में शुक्रवार तड़के से ही खासी भीड़ देखने को मिली। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार के शिवाली नगर के शिव मंदिर में, जहां जो श्रद्धालु हैं वो गंगा जल लेकर यहां जलाभिषेक करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका भी लगभग जो यहां अनुपालन है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर हमारे साथ एक शिव भक्त जो श्रद्धालु है मौजूद है, तो जानते हैं कि क्या यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है और किस तरह जलाभिषेक उन्होंने किया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव। आप यहाँ पहुँचे हैं शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए, तो जो यहाँ तैयारियाँ हैं, क्या तैयारियाँ और किस तरह का जलाभिषेक? देखिए, कोरोना की वजह से इस बार तो बहुत फीकी तय, कुछ खास ऐसी तैयारियाँ नहीं है। सब अपने अपने सेफ्टी मेजर्स लेते हुए ही आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, वरना आज अगर आप कोरोना से पहले कभी आते तो मंदिर के बाहर तक भीड़ नज़र आती है आपको, लेकिन इस बार सब तरीके से ही आ रहे हैं। देखिए, मंदिर में क्या इतने समय से मंदिर बंद था, मंदिर में हमें मास्क के बिना एंट्री नहीं है, सैनिटाइजर लगाया हुआ है। बाकी कोई भी इतनी बड़ी पब्लिक समिति जो होती है, जहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, वो हर एक को नहीं कंट्रोल कर सकते। सबका अपना अपना खुद का कंट्रोल अपना जरूरी है। मतलब अगर मैं हूँ तो मेरे लिए मंदिर जिम्मेदार नहीं है, मैं अपने लिए खुद जिम्मेदार हूँ, मैं ये समझती हूँ। तो किसी भी समिति को कहने से अच्छा है कि हम खुद अपने आप ही अपनी सेफ्टी मेजर्स लेके चलें। हमारे साथ मौजूद थी एक जो शिव भक्त है, उन्होंने किस तरह जानकारी दी, तो मंदिर समिति में किस तरह जलाभिषेक किया और उन्होंने खासकर चीज़ वो जो गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी कि जो मंदिर समिति है उनकी जो तैयारियां हैं वो अलग है, लेकिन हर जो व्यक्ति का अपनी एक जिम्मेदारी है उसी के ऊपर ध्यान उन्होंने लोगों का आकर्षित किया। तो इसी को लेकर हम यहाँ मंदिर शिव मंदिर सोलनगर में मौजूद थे। तो मैं कैमरामैन पर्सन के साथ इंतजार रजा, प्राइम टीवी हरिद्वार। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में पूजा अर्चना कर शासकीय कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय, गणेश जोशी सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। अल्मोड़ा में सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा नगरपालिका कार्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे सफाई सैनिकों ने जो भी जायज मांगे हैं उनको शासन में रखा जाएगा। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के हितों को देखते हुए मांगों पर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में सीवर लाइन का काम जल्दी ही शुरू होने जा रहा है, इसके लिए धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है। सरकार द्वारा हर घर में नल हर घर में जल योजना के तहत पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने सुना
हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं मंचधर भगत जी उन्होंने सुना, तो मैं उनको संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी बात का भी कम से कम सम्मान किया, हमारा भी सम्मान किया, हमारे कर्मचारी का भी सम्मान किया है। तो आज इनकी बहुत सारी मांगें पूरी हुई और जो मांगे नहीं पूरी हुई वो एक हमारी कमेटी गठित की, और जो भी मुझे आज 6 सूत्री ज्ञापन दिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञापन नहीं है। एक तो इनको जिनके पास टिन शेड हैं खाली, अब उनको मकबक उनको उनके भूमि के नाम से नहीं है, उसको भूमिधर का हक इनको मिले, तो इसके लिए मैं प्रयास। पहाड़ों में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण बगोली चूला गबिनी मोटर मार्ग और नारायण बगड़ सहित कई इलाकों के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं। रास्तों को खोलने के लिए फिर से काम किया जा रहा है। बारिश के कारण दिन पर दिन समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। गांवों में मुसाफिरों को पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस वक्त मजबूर होना पड़ रहा है। उसी तरह बगोली चूला गबिनी सड़क पर भी पहाड़ी दरकने से लोगों की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बताते चले कि पहाड़ों में सड़कों के सुधारीकरण निर्माण और जल निर्माण कार्य में शुरू से ही लापरवाही से सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को खोद दिया जा रहा था। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भयंकर बारिश होने के कारण परखालतू चोपता मोटर मार्ग पर भारी बारिश के कारण जाकी समीप पूरी चट्टान खिसकने से भारी नुकसान हुआ है, जिससे कि पूरी रोड बंद पड़ी है, जिससे कि हमारी सवारी लोग बहुत परेशान है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ हमारे बेटे देविंदर बहरा जी भी हैं, जिन्होंने कि बाजार जाना था, वो भी बहुत परेशान है अभी तक यहाँ पे। लालकुआं से लेकर हल्द्वानी तक निर्माणाधीन नेशनल हाईवे संख्या 109 की हालत बद से बदतर होती चली गई है। आपको बता दें कि हाईवे का बेहद धीमी गति से निर्माण किया जा रहा है। इसकी वजह से आए दिन यात्री परेशानियों का सामना करना कर रहे हैं, साथ ही वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। पहले के दिनों में भी कई दुर्घटनाएं इसी तरह से सामने आ चुकी हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजसेवी कीर्ति पाठक ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि जल्द ही नेशनल हाईवे 109 के रूट का निर्माण कार्य को चालू कराया जाए, ताकि लोगों के आने जाने में उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े और लोग दुर्घटनाओं से बच सके। आगे उन्होंने कहा कि अगर शासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। 2 साल हो गए हैं और अभी तक यहां पर हाईवे का काम बंद पड़ा हुआ है, जिससे आए दिन यहां पर छोटी बड़ी गाड़ियां जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और जान जो है जोखिम में। यहाँ पर जो राहगीर चल रहे हैं वो अपनी दावत दे रहे हैं यहाँ पर, और इसके लिए हमने कई बार जो है शासन प्रशासन को लिखित में इसकी सूचना भी दी है, और सरकार जो है इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। रुड़की के मंगलौर FCI गोदाम में कवरेज करने गए पत्रकार के साथ गोदाम में तैनात महिला कर्मचारी ने अभद्रता की। कर्मचारी ने पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मोबाइल फोन जमीन पर पटक दिया। आरोप है कि बार बार परिचय देने के बाद भी कर्मचारी ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की। इस मामले में भड़के हुए बाकी पत्रकारों ने एकजुट होकर गोदाम के बाहर धरना दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी धरने पर बैठे लोगों की मदद करने के लिए मौके पर पहुंच गए। फिलहाल इस मामले में मंगलौर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं विकास नगर के बाड़वाला यमुना तट में खनन पर पाबंदी के बाद यहां पर तेजी से अवैध खनन का काम किया जा रहा है। यमुना नदी किनारे खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें ना तो अब तहसील प्रशासन का डर है और ना ही स्थानीय पुलिस का। बेखौफ होकर बिना किसी रोकटोक के माफिया तेजी के साथ खनन कर रहे हैं। दिन दहाड़े बाड़वाला क्षेत्र में यमुना नदी में मजदूर लगाकर रेत बजरी छनवाई जा रही है और अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से खनन परिवहन किया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन चौकी डाक पत्थर की मिली भगत से अवैध खनन का कारोबार इस पूरे क्षेत्र में फल फूल रहा है। क्या ये खनन कौन कर रहा है? खनन कब से कर रहे हैं ये खनन? हम तो आज ही आए। अच्छा, कोई करा रहा है आपसे? नहीं नहीं, अरे ऐसे ही जा रहा है, तो मंदिर के लिए जा रहा था माल हमारा तो। अच्छा, तो ये सारी जनता भी निकाल रही है देखना पूरे। हाँ, जैसे खनन बंद है, खनन पे प्रतिबंध है, फिर भी आप जो है खनन कर रहे हैं,
क्या आपको पता है कि खनन बंद है बरसाती बरसात में? नहीं तो बताएं। है? मैं मौजूद हूँ विकास नगर तहसील के बाड़वाला क्षेत्र में, जहाँ पर जून से समस्त नदियाँ बंद हैं, खनन कार्य बंद हैं। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि जरा दिखाए कि इस नदी किनारे जो है खनन माफियाओं द्वारा खूब खनन हो रहा है, नदी का सीना जो है चीरा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दो कि एक तरफ नदी बढ़ी हुई है और दूसरी तरफ खनन का कार्य चल रहा है। तहसील प्रशासन, स्थानीय प्रशासन आँख मूंदे बैठा है और आप देख रहे हैं कि रेत के चट्टे, रात को जो है खनन होता है, दिन में जो ये खनन इकट्ठा किया जाता है, रेत बजरी इकट्ठी की जाती है, लेकिन रात को जो है यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आती हैं और रोक टोक उचित दामों पे जो है, हाई दामों पे जो है ये खनन यहाँ पे बेचा जा रहा है। और स्थानीय पुलिस प्रशासन के नीचे स्थानीय चौकी जो हमारी डाक पत्थर चौकी है, निकट कोतवाली है और वही तहसील निकट है, फिर भी जो है इस क्षेत्र में खनन हो रहा है। अब देखना है कि खनन प्रतिबंध के बावजूद भी इस अवैध खनन पर, खनन माफियों पर हमारा जो स्थानीय प्रशासन रोक लगाता है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल हेड विनोद रोथाण की। हरिद्वार में कोविड 19 के टेस्ट में लापरवाही का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें कि महाकुंभ 2021 में हुए कोविड 19 टेस्ट की जांच में हुए फर्जीवाड़े की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वहीं कावड़ यात्रा के दौरान सील की गई सीमाओं पर लगाए गए कोविड जांच कैंप में बड़ी लापरवाही का नजारा देखने को मिला है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की यह लापरवाही महामारी के किसी बड़े खतरे को आमंत्रण देती हुई साबित हो रही है। वहीं फर्जीवाड़े की ओर भी एक बड़ा इशारा करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोटद्वार बाईपास पर कांवड़ यात्रा के दौरान सील की गई थी। इस सीमा पर सुरक्षा प्रशासन की मुस्तैदी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड 19 जांच के लिए कैंप भी लगाया गया, जिसमें कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी बिना किसी सेफ्टी, बिना सैनिटाइजर, बिना पीपीई किट के ही जांच करते हुए पाए गए। वहीं लक्सर के मलकपुर गांव में विशालकाय मगरमच्छ निकला है। आपको बता दें कि विशालकाय मगरमच्छ देखकर इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद लोगों ने वन विभाग की टीम को पूरे मामले की सूचना दी। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन यहां इस तरह का कुछ ना कुछ देखने को लगातार मिलता रहता है और वन विभाग की लापरवाही की वजह से इस तरह कोई भी बड़ी घटना बहुत जल्द यहां पर घट सकती है। ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वन विभाग की टीम सिर्फ खानापूर्ति का काम कर रही है। कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शिविर समाप्त हो गया है। 3 दिवसीय मंथन शिविर के समापन के बाद प्रदेश प्रभारी देवेंद्र और प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक पूरे मंथन के दौरान मुख्यतः बेरोजगारी, महंगाई, महिला उत्पीड़न और सशक्तिकरण व युवा कल्याण पर भी चर्चा की गई। मेरे साथियों, ये 3 दिन का जो विचार मंथन शिविर है और इसमें से जो अमृत निकला है उसकी जानकारी मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की हमारी महान जनता को देना चाहता हूँ। और वो यह है कि हम अगले 1 माह के भीतर 4 जोन्स में, गढ़वाल हिल्स, कुमाऊं हिल्स, गढ़वाल के मैदानी भाग और कुमाऊं के मैदानी भाग, जिसमें कि नारसन से लेकर बड़कोट और बद्रीनाथ तक का क्षेत्र एक तरफ आता है और दूसरी तरफ जसपुर से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला तक का क्षेत्र आता है। इनमें कमेटी हो, चाहे आउटरीच की कमेटी हो और विभिन्न जो चुनाव से संबंधित हमारी 10 की 10 मीडिया, सोशल मीडिया, सभी कमेटियों का जहां विस्तार से उनके आने वाले समय में किस तरीके से वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, उनसे कार्य योजना ली गई। उसके साथ साथ संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर हमारे जितने भी साथी,
वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने हरिद्वार दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल पहुंची जहां पर उन्होंने सबसे पहले शांति कुंज प्रमुख प्रणव पांड्या से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि इन दिनों सावन मास चल रहा है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ का उन्हीं की ससुराल दक्षेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पौड़ी गढ़वाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने जीआई में ईवीएम मशीन कक्षों का बाहरी निरीक्षण किया। उन्होंने जीआईसी में ईवीएम कक्षों के तालों की सील चेक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माणाधीन बेयर हाउस का निरीक्षण कर 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए। ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुक्रम में उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और भविष्य में जितने भी निर्वाचन होंगे उस समय जो भी ईवीएम्स का रखने के लिए जो स्थान पर्याप्त आवश्यकता होती है उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसमें सभी विधानसभाओं के ईवीएम्स को रखने का व्यवस्था रहेगा और चुनाव के पश्चात जो इलेक्शन कमीशन पीरियड होती है उसमें सभी ईवीएम्स को पुलिस गार्ड के निरीक्षण में यहाँ रखा जाएगा। इसके लिए जो व्यवस्था बनाई जा रही है, 6 कक्ष बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर रैक्स का व्यवस्था किया जाएगा, रैक्स पर ईवीएम मशीन्स और जो हमारे इन दिनों सरकारी अस्पतालों और एएनएम केंद्रों में लोगों को वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही है। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को एंटीजन और आरटीपीसीआर सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेजे जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है तो स्वयं ही लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर और जाँच सेंटरों पर देखने को मिल रही है। एएनएम ने बताया कि वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा 13 एएनएम केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बरसात के मौसम में कहीं दूर जाकर वैक्सीन लगवाने का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो वहीं अस्पताल में आने वाले बीमार लोगों को एंटीजन एवं आरटीपीसीआर सैंपलिंग कराने की सलाह भी दी जा रही है, जिससे लोगों भी खुशी खुशी अपनी जाँच करा रहे हैं। विकास का नारायणगढ़ में लगभग हमारे 13 एनएम सेंटर हैं। उन एनएम सेंटरों में हम वैक्सीन के हिसाब से पर डे 6-6 सेशन या 5-6 सेशन जितने भी हैं वैक्सीन के हिसाब से सेशन लगाते हैं। प्रत्येक सेशन में हमारे 100 से ऊपर लगभग हमेशा बेनिफिशरी होते हैं और हमें बिना स्लॉट के भी हम ऑन द स्पॉट स्लॉट बुक करते हैं। लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। कई लोग ऐसे हैं कि जो स्लॉट बुक करना नहीं जानते हैं वो यहाँ पर आके उनका खुद ही स्लॉट। चमोली में भारतीय सेना इन दिनों स्वर्णिम विजय दिवस मना रही है। बता दें कि 1971 की लड़ाई को 50 वर्ष पूरे होने पर सेना के द्वारा स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन 1971 में भारत में बांग्लादेश को एक अलग देश बनाकर दिया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश का नया निर्माण किया था। इस युद्ध को इस वक्त 50 वर्ष हो चुके हैं। इस मौके पर भारतीय सेना के द्वारा स्वर्णिम दिवस मनाया जा रहा है। जोशीमठ गढ़वाल स्टाउट में सेना के जवानों ने गर्वजोशी के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। वहीं लक्सर में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस को कामयाबी भी हासिल हुई है। पुलिस ने एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 11.7 ग्राम स्मैक भी बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्राम स्मैक बरामद हुई तो उसने जो मखेली द्रा है ओवरब्रिज के पास से वहां कल पकड़ा गया है। थाना पुलिस लक्सर ने पकड़ा उसे जेल में। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से देहरादून मसूरी मोटरमार्ग पर कई स्थानों में मलबा आ गया है, जिससे लोगों के आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से मार्ग में मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है और हर समय दुर्घटना का भय बना हुआ है। वहीं लाइब्रेरी किंग रेक मार्ग पर सड़क का एक हिस्सा ढह जाने से कुछ समय के लिए मार्ग बाधित रहा। विभाग लगातार रेड मोड में है। यहाँ पर हमने 4 जेसीबी लगा रखी है। जहाँ कहीं भी देखिए प्रकृति को आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन विषय यह है कि आपदा के बाद हमारा तंत्र किस त्वरित गति से काम कर रहा है। हमारे युवा
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के मसूरी स्थित शिव कॉलोनी और अन्य स्थानों पर कई दिनों से पानी का संकट बना हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार विभाग को इस मामले से अवगत कराया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई और स्थानीय लोगों को दूर दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। साथ ही कई बार जल संस्थान की वाहन द्वारा वहां पर पानी की आपूर्ति की जाती है। क्षेत्रवासियों के साथ समाजसेवी पंडित मनीष गोयल के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों द्वारा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि इस क्षेत्र में शीघ्र जलापूर्ति सुचारू की जाए ताकि यहां के लोगों को पानी की किल्लत से जूझना ना पड़े। मसूरी विधानसभा में जब भ्रमण में था तो शिव कॉलोनी की समस्या सुनी, काफी लंबे समय से उनकी पानी की समस्या थी। 300 सीढ़ियां 90 की ढलान में कि वहाँ से उनको पानी आना ले आना पड़ता था, तो उनकी समस्या देखकर जब मैंने उनका जल निगम संस्थान से मैंने बात करी देहरादून में, तो उन्होंने बोला एक साल पहले टेंडर हो चुका था, पर अधिकारी इतने सुस्त थे कि वो सोए बैठे थे और जिनको टेंडर दिया गया था वो भी सुस्त थे, क्योंकि अप्रैल उसमें गर्मी टाइम में ये काम हो सकता था, पर उन्होंने काम को ढीले रखा। उसके बाद मैंने आज मसूरी में अल्मोड़ा में आशा कार्यकर्त्रियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से लगातार आशाओं के आंदोलन की अनदेखी होने से नाराज आशा कार्यकर्त्रियां मुख्य बाजार से उन्होंने जोरदार प्रदर्शन रैली निकाली और रैली को आयोजित किया। आपको बता दें कि आशाओं का कहना है कि अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से फिर से सरकार को भेजा जा रहा है। आशा कार्यकर्त्रियों का कहना था कि खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने माना कि आशाओं के बिना स्वास्थ्य विभाग का कार्य संभव नहीं है। आशा कार्यकर्त्रियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों का शीघ्र समाधान करे, वरना उनका आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। महिला यहाँ आशाएं सारी निराश बैठी हुई हैं और आशाओं का इतना उत्पीड़न करा जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार को समझना चाहिए कि आशाओं के साथ आशाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। जितना भी सरकार की तरफ से काम आता है आशाएं ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, चाहे वो रात के 12 बजे हो 1 बजे हो, हर डिलीवरी में आशा जाती है। उसके बाद भी आशाओं का इतना शोषण किया जा रहा है कि आशा की बातें नहीं सुनी जा रही, आशाओं को रोड। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।